एक साल बाद इस खतरनाक गेंदबाज की टीम इंडिया में हुई वापसी, अब मचाएगा तूफान। टीम में वापसी होते ही मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, अब करेंगे विरोधी टीम को चारों खाने चित। जिनके नाम से कांपते हैं बड़े बड़े बल्लेबाज, जिनकी गेंद पिच पर बरसाती है अपना कहर। टीम इंडिया अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ने वाली है। इस सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त से होगी। फैंस को लंबे समय से सीरीज के लिए भारतीय टीम के ऐलान का इंतजार था। आपको बता दें कि टीम का ऐलान हो चुका है और कप्तान स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी गई है। बुमराह करीब 1 साल के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। बुमराह ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच सितंबर 2022 में खेला था। इसके बाद से खिलाड़ी टीम इंडिया के सभी मुख्य टूर्नामेंट और मुकाबलों से बाहर रहा। बुमराह इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं। बुमराह के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा की भी टीम में वापसी हो चुकी है। प्रसिद्ध भी 1 साल से टीम से बाहर है। वहीं इसके अलावा टीम में शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान भी गेंदबाजों के तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टीम में सीरीज के लिए युवा यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा को भी मौका मिला है। इसके अलावा शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को भी ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के नाम एशियन गेम्स की टीम में भी शामिल है, लेकिन ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से पहले ही आयरलैंड में अपना डेब्यू कर सकते हैं। भारत क्रिकेट टीम अगस्त में T20 सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर जाएगी। इस दौरे के लिए टीम का ऐलान हो गया है। टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को दौरे से आराम दिया गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। उन्हें टीम इंडिया का कप्तान भी बनाया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त को होगी। इसके बाद 20 और 23 अगस्त को मुकाबले होंगे। जसप्रीत बुमराह पहली बार T20 में भारत टीम की कप्तानी करेंगे। इससे पहले वह टेस्ट मैचों में भारत की कमान संभाल चुके हैं। बुमराह ने करीब 11 महीने बाद पिछले साल सितंबर में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था। वह चोट से वापसी ही कर रहे थे, लेकिन एक मैच के बाद फिर से चोटिल हो गए। इसकी वजह से वह T20 वर्ल्ड कप के साथ ही IPL में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।